नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि आपको विदित है हिंदी दिवस है। इस उपलक्ष्य में मेरे विश्वविद्यालय श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया और वहाँ मैंने अपनी 4 गज़ल पढ़ी। उन्हीं गज़ल को आपके समक्ष पुनः पढ़ना चाहता हूँ। पहली गज़ल का शीर्षक है, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, सूरत कैसी भी हो सीरत अच्छी होनी चाहिए। उस उजड़े शहर में कोई रहता नहीं, उस उजड़े शहर में कोई रहता नहीं, पर चमगादड़ों की बस्ती तो होनी चाहिए। तन पे भले कुछ कपड़े कम रहें, तन पे भले कुछ कपड़े कम रहें, मन को ढकने में कसर न रहनी चाहिए। जिंदगी से मौत महंगी हो गई, जिंदगी से मौत महंगी हो गई, कर्ज का सूद कुछ ज़्यादा होना चाहिए। घोंप के खंजर पूछता है हाल दिल, घोंप के खंजर पूछता है हाल दिल, उस शख्स की नीयत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी गज़ल प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है, जिंदगी में खोना पाना लगा रहता है। जिंदगी में खोना पाना लगा रहता है, थके जिस्म से रूह का जाना लगा रहता है। कोई नहीं बहाता गैरों के लिए अपने आंसू, कोई नहीं बहाता गैरों के लिए अपने आंसू, अपनों के जाने पे वहीं समुंदर भरा रहता है। वही करते हैं अक्सर वफाओं की बातें, वही करते हैं अक्सर वफाओं की बातें, बेवफाई का गम जिनके सीनों में भरा रहता है। इस जहां में सारी लड़ाई बस रोटी की है, इस जहां में सारी लड़ाई बस रोटी की है, किसी का पेट कम तो किसी का ज़्यादा भरा रहता है। किसी का दिल न तोड़ना इस जहान में, किसी का दिल न तोड़ना इस जहान में, बिना दिल के इंसान कब इंसान बना रहता है। तीसरी गज़ल प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है, मरमर के जीने वाले। मरमर के जीने वाले क्या जाने कजा क्या है, मरमर के जीने वाले क्या जाने कजा क्या है, सुरूर के दीवाने न जाने खुमारी का मजा क्या है। मेरे ही घर में करता है मुझे मारने की साजिश, मेरे ही घर में करता है मुझे मारने की साजिश, जब मिलता है पूछता है कि तुझे फिक्र क्या है। ईंट मिट्टी की इमारत को लोगों ने बनाया घर, ईंट मिट्टी की इमारत को लोगों ने बनाया घर, उसी को बांट कर पूछता है कि तू कौन क्या है। जिंदगी जीने का सलीका न उसे आ सका, जिंदगी जीने का सलीका न उसे आ सका, मरने पे पूछता है मेरी मौत की वजह क्या है। आदमी को आदमी की गंध सुहाती नहीं, आदमी को आदमी की गंध सुहाती नहीं, दीवारों से पूछता है वीरानों की वजह क्या है। आखिरी गजल पेश करना चाहूँगा, शीर्षक है, एक बात समझ में नहीं आती, एक बात समझ में नहीं आती, तेरी याद अब क्यों नहीं आती। दराजों से झांकती है एक किरण, दराजों से झांकती है एक किरण, उसे यूं आने में शर्म नहीं आती। आंख भर आने को एक गम काफी है, आंख भर आने को एक गम काफी है, बारिश बिन बादल कभी नहीं आती। उसे बस एक ही दुख सताता है, उसे बस एक ही दुख सताता है, सारी रात नींद क्यों नहीं आती। आंख मलने से रोशनी नहीं बढ़ती, आंख मलने से रोशनी नहीं बढ़ती, किताबें पढ़ने से अक्ल नहीं आती। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गज़लें पसंद आई होंगी।
धन्यवाद, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।